हाय दोस्तों, मैं हूँ विशाल। इलेक्ट म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौतोरगन पर सॉन्ग है आफरी आफरी। आपने सुना ही है, बहुत ही फेमस गाना है। तो इसके नोटेशन आपको मिल जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इजी गाना है, बस आपको कॉन्फिडेंटली उसको प्ले करना है। लीवर का यूज़ नहीं होगा तो ईजी जाएगा आपको, ठीक है। सीधा सीधा गाना है, तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा आपको, गाना सिंपल है लेकिन गाने में जो किसी ने मुझे इससे पहले एक सवाल किया था, अपने अच्छे व्यूवर है कोई, तो उन्होंने पूछा था कि नी के नीचे डॉट होता है, अंडरलाइन होती है, या रे के ऊपर डॉट है ना, ध के नीचे डॉट, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं। सारे गाँव पद निशा तो जो वीडियो है वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। वो प्लेन है एकदम। तो सारे गम प ध निशा की प्रैक्टिस अगर आपकी हो चुकी है, जो मेरा वीडियो है आपने अगर अच्छे से देखा है, और बहुत से व्यूवर्स है जिन्होंने अच्छे से याद भी कर लिया होगा, उनको आता भी होगा। और जिंगल बेल की मुझे आई है अभी, अगली वाली जो वीडियो है मैं जिंगल बेल आपके लिए प्ले करके दिखाऊंगा और नोटेशन भी दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा उसको। वो बहुत ही आसान गाना है, वो आपको अच्छे से आ जाएगा। आफरी का ऐसा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो सकता है एक दो महीने लग जाए, पता नहीं, किसी को दो दिन में भी आ सकता है, किसी को टाइम भी लग सकता है। तो इसमें जो मेन है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस निकलेंगे आपके, जो सवाल होंगे, तो वो ये होंगे कि नी के नीचे डॉट इसमें बहुत ज़्यादा बार आया है नोटेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको इजीली बता दूँ, सीधे सीधे सारे गाँव पद निशा आपने सीखा है वीडियो मैंने जो बताया था। इसके अलावा मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आफरी के जो ओरिजिनल सॉन्ग रीड है उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएंगी, वो आप लिंक पे प्ले करो। जो वीडियो में मैंने पूरा सिखा दिया है कि जो स्पेशल कैरेक्टर इस गाने में आने वाले हैं वो कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता दूँ, सा जब हम प्ले करते हैं 10 नंबर के होल पर, ठीक है, तो उसके पहले सक करना पड़ता है 10 नंबर के पहले जाके, मतलब 9 या 8, ठीक है, 8 नंबर पे जाके आप सक करो। मैं अप्रोप्रिएट क्यों नहीं बताता, क्योंकि अप्रोप्रिएट माउथ ऑर्गन नहीं बजता है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बजता है, बजता है, लेकिन हमको नहीं बजाना है,
ठीक है क्या? आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ये जंबल हो रही है। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो के वो नहीं करना है आपको, समझ के बजाना है, आपकी समझ बढ़नी चाहिए, आपको सुरों का ज्ञान होना चाहिए कि 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 7 नंबर पे, 11 नंबर पे कितना फर्क है, आपको खुद ढूंढना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा नज़दीकी लोकेशन दे रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन करने से क्या होगा, आप गुलाम बन जाएंगे उस तरह से। बस वही वही नोटेशन आपको मिल चुका है कि नहीं? अब आप खुद ढूंढने की तो कोशिश करो कि अरे अरे एक दिन ये आएगा कि आप खुद से नोटेशन निकालेंगे। ये भी सवाल होता है बहुत लोगों का कि सर हम अपने आप से नोटेशन कब निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन आपको पहले मैं थोड़ा सा मतलब ये बताता हूँ हिंट कि इतने एरिया में आप ढूंढ लो, ठीक है, 10 नंबर के आसपास आप ढूंढ लो, तो उतना तो कैच करना चाहिए आपने कि अच्छा आफरी आफरी है ना, तो वो कोशिश करो। नहीं आया तो नोटेशन है, नहीं भी आया तो मैं समझाने के लिए हूँ। लेकिन ये नहीं कि अरे सर ने बताया 8 नंबर, ये तो 9 नंबर है, ऐसे फालतू की जो मतलब मेंटेलिटी होती है, मुझे कुछ कुछ करते हैं ऐसे कमेंट करते हैं कि ये इतना बारीक, मैं वो रिमूव कर देता हूँ, कमेंट की कमेंट पूरी गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो अच्छे लोग रिव्यू देते हैं ना, मैं बस उनको रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वही। तो सा 10 नंबर पर है, आप ढूंढ लो आसपास, सा के पहले जाके सक करो आप, नी हो जाएगा, ठीक है। अब नी के भी पहले जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट लेफ्ट इधर इधर जब जाएंगे तो यहाँ सा है, फिर थोड़ा लेफ्ट 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 ऐसे करते करते आप जाएंगे तो नी मिलेंगे आपको। थोड़ा सा सरकेंगे माइक्रो लेवल पे, नी सक करेंगे, फिर थोड़ा सरकेंगे और सक करेंगे तो ध, इससे पहले भी बताया था मैंने ये सारी बातें, तो ध मिल जाएगा। ध के नीचे डॉट, नी के नीचे, नीचे डॉट का मतलब है मोटे वाले सुर, मोटे, जैसे ये सा है, अब सा से मोटा क्या हो सकता है? अब ये जो आवाज़ है ये, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको। तो मैंने एक वीडियो में ये भी पूरा समझाया था, लो फ्रिक्वेंसी मतलब तो ये जो सुर है लेफ्ट साइड में होते हैं। अब जो बारीक सुर है एकदम ऊपर वाले है ना, जो गाने में मैंने सेकंड जो कोस्टोडियो का गाना है उसके उसमें से लिया हुआ है, तो अफ्रीका जो सेकंड है जो पीस फीमेल ने गाया हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत आगे जाता है तो उतना हमको ध्यान रखना है, या फिर पीछे जा रहा है वो हमको ध्यान रखना है। तो फीमेल का पीस आगे जाके पीछे चला आता है पूरी तरह से, और मेल का पीस बहुत आगे जाके थोड़ा पीछे आता है। तो ये सारी बातें हैं, तो मैंने अभी बताया आपको नी के नीचे डॉट कैसे बजाना, ध के नीचे डॉट कैसे बजाना। अब रहेगी बात आगे वाली शुरू की, जो अभी बता रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब सा जो है 10 नंबर पर, अब ढूंढो, ये हो गया ऊपर का सा। अब अगर सा के आगे रे है, मतलब सा के ऊपर डॉट है, तो ये बारीक सा है। अब अगर मैंने रे के ऊपर डॉट लगाया तो ऑब्वियसली वो उसके भी आगे होगा रे, फिर ग पे अगर डॉट है तो इस तरह से। बस ये आपको, और पहले पहले पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, तो दोस्तों पहले पहले आपको थोड़ी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम जाएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार बजाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली उसका नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको इजीली आ जाएगा फिर वो। और हमारे जो ढेर सारे गाने हैं इतने फेमस जो आते रहते हैं, उनमें फिर आपको ईजिली प्ले कर जाएगा दोस्तों। तो पहले बार तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी रे ऊपर का ढूंढने में, ग के ऊपर डॉट, म के ऊपर डॉट। तो टेक्निक क्या है कि सा ऊपर, आपको पहले प्लेन वाला सा 10 नंबर, लोकेशन एक तो पता चल गई, तो आपको लोकेशन एक बार एक मिल गया सेंटर, तो आप उसको बराबर ढूंढ लो कि सा के बाद रे, रे के बाद, और सारे गमों के वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है। उसके अलावा मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया उसमें भी पूरा डिटेल में है कि ये जो अलग अलग सुर होते हैं ऊपर के एकदम नीचे के डॉट वाले अंडरलाइन वाले, वो सारे मैंने उसमें समझा दिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा नोटेशन दे देता हूँ, अभी कभी आप नोटेशन पढ़ लो, ठीक है, और नोटेशन के हिसाब से बजाओ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मेरे जो ऑलरेडी जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो देखने के बाद, वो समझने के बाद भी अगर आपको तकलीफ होती है कि कहाँ क्या बजाना है, तो आप मुझे बेझिझक सवाल करिए, ठीक है, और मैं उनके आंसर दूंगा। और अगले वीडियो में मैं जिंगल बेल आपको सिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही आसान गाना है, वो तो मैं लाइन टू लाइन सिखा दूंगा। ये गाना मैं लाइन टू लाइन नहीं सिखा सकता, ये इतना बड़ा गाना है दोस्तों कि इतनी सारी लाइन्स है, सेम सेम है, ईजी है, लेकिन इतने अगर मैं ऐसे लाइन टू लाइन सिखाऊंगा, आपको पता है मैंने आपके लिए दोस्तों ये गाना मतलब सिर्फ नोटेशन आपको देने के लिए मुझे यहाँ पर 8 पेज लग गए लिखते लिखते लिखते, तो 8 पेज का जो नोटेशन मैंने से बनाया, तो वो नोटेशन आपको सिर्फ मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली प्ले कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो
ये इस बार मैं लाइन टू लाइन आपको ये गाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, और कोई इजी गाना होता है तो मैं लाइन टू लाइन सिखा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए आपको नोटेशन यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, आज के लिए इतना ही और बाय।